कटिहार सदर अस्पताल के कई कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। जिला पदाधिकारी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लापरवाही बरतने वाले कर्मी को दी हिदायत। कटिहार के सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर वहाँ की गतिविधि से अवगत हुए। गौरतलब है कि जिले का एकमात्र मुख्य सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल में पिछले कई दिनों से व्यवस्था की नाकामी और सरकारी तंत्र के फाइलर होने के कारण सुर्खियों में था। चाहे बिना सैंपल टेस्ट के मरीज के मोबाइल पर कोरोना नेगेटिव का मैसेज हो या कोरोना पीड़ित मरीज के साथ मारपीट कर जख्मी होने की घटना हो या ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत हो जाने का मामला हो, तमाम तरह की सरकारी तंत्र के नाकामी के खबरों के बीच जिला पदाधिकारी ने खुद सदर अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए। देखिए, इसी को हम लोग अरेंज करने आए थे। एक तो यहाँ पे क्योंकि संक्रमण के फैलाव पे भी हमें ध्यान देना है कि संक्रमण का फैलाव भी ना हो और जो यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी भी सुरक्षा बनी रहे और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हैं और कुछ डेपुटेशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो वही व्यवस्था को ठीक करने का ये हम लोग प्रयास करें। सर, रैपिड किट से जांच शुरू हो गया है? हाँ, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच शुरू हो गई है। कल 81 टेस्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में और तीन जगह पे ये टेस्ट हो रहे हैं, सदर अस्पताल और दोनों सब डिवीजन। सर, मारपीट हुई थी, कोरोना पॉजिटिव पर प्रतिबंध लगाया गया है? मीडिया के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है? नहीं, आपकी आवाज़ आ रही, क्या कह रहे हैं? मीडिया के प्रवेश पर भी फिलहाल कहाँ पे सदर अस्पताल में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कंटेनमेंट जोन जैसी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं जी, क्योंकि हाई रिस्क है। यहाँ कुछ डॉक्टर्स पॉजिटिव आ गए हैं और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और लैब टेक्नीशियंस आ गए हैं पॉजिटिव जी। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हेल्थ कर्मी और जो पेशेंट्स हैं और जो प्रशासन के लोग हैं फिलहाल उन्हीं, क्योंकि तीन दिन हॉस्पिटल में बंद भी करना पड़ा था सैनिटाइजेशन काम के लिए, तो फिलहाल यही तीनों लोग की एंट्री होगी। मीडिया से कोई विशेष वो नहीं है, मीडिया का कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, ये इन तीनों के अलावा फिलहाल एंट्री रेगुलेटेड रहेगी। वहीं सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल के कई कर्मी खुद कोरोना की चपेट में हैं, जिसके कारण सदर अस्पताल के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं जिला पदाधिकारी ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी देने की बात कही और कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। जिला प्रशासन कटिहार के आवाम को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर संकल्पित है।